इतने अनुभवी नेता हैं, वो जानते नहीं है कि चुनाव आयोग किसकी सुनेगा, किसके इशारे पे काम करेगा। चुनाव आयोग तो गाना भी गाता रहता है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। जो साहब का हुक्म होगा चुनाव आयोग के लिए वो अंतिम फैसला है। जो साहब ने कह दिया, चुनाव आयोग आंखें बंद करके उसी पे काम करता है। शिंदे वाले मामले में हमने देख लिया। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक गीत गाया था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मैं बोलता हूं कि इसको थोड़ा सा बदल देने की जरूरत है। आजकल एक दूसरे गीत की चर्चा बहुत है भारतीय राजनीति में कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, या दूसरा गीत ये है बीजेपी के, बीजेपी वाले जो गाते हैं, जो तुमको हो पसंद वही दांव चलेंगे, यानी कांटे से कांटा निकालना। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक जो बीजेपी थी वो कुछ और थी। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने राइवल को, मैं क्या सभी लोग बोलते रहे हैं कि भाई अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत आंको। ठीक यही हालत रावण का था। एक पौराणिक मैं उदाहरण दे दूं, शरद पवार ने बोला कि मैं पार्टी फिर से खड़ी कर दूंगा, लंका जल रही थी, रावण ने बोला कि तुम क्यों चिंता करते हो, ऐसी सैकड़ों में सोने की लंका बना दूंगा। इतिहास जानता है कि न सोने की लंका कभी दोबारा बनी, न रावण राज कर पाया। इतना कुछ होने पर भी केवल आत्मविश्वास, एज फैक्टर देखिए, आपके विधायक आपके साथ नहीं है, आपका राइवल बहुत स्ट्रांग है। तो मैं तो शरद पवार को मैंने कभी भी चाणक्य नहीं बोला, बहुत सारे लोग उनको चाणक्य प्रोजेक्ट कर रहे थे। आखिर वो मुद्रा राक्षस साबित हो गया कि नहीं, मैं उनको मुद्रा राक्षस ही मानता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, शरद देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कल बहुत जबरदस्त तरीके से कम बैक कर जाए शरद पवार, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन मैं शरद पवार को महाभारत के भीष्म की तरह मानता हूं, जो कि अब शरसैया पे लेट गए हैं। अगली लड़ाई केवल इस चीज की होगी कि सिंबल किसका है, सारा फोकस इस चीज पे होगा, क्योंकि वो कानूनी दांव पेच से होगा। और जिसको संबल मिला, या तो एनसीपी उनके भतीजे की हो जाएगी या शरद पवार की। और अगर शरद पवार सिंबल नहीं बचा पाए तो वो टोटली खत्म है। एक नई आइडेंटिटी लेकर के फील्ड में जाना, राजनीतिक पार्टियां इतने जल्दी इतने आसानी से दोबारा खड़ी नहीं होती है, नई बनती नहीं है। अगर होता तो शरद पवार जी सरकार बना करके मुख्यमंत्री बना दिए होते अपनी पार्टी का, वो बहुत टिपिकल काम है। तो फैक्ट हो, फैक्ट को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, न कि मायोपिक होके। इथिकल अनइथिकल क्या है वो एक दूसरी डिबेट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है, ये शरद पवार वाली एनसीपी, उनके साथ कोई महारथी नहीं है, सुप्रिया ताई है जिनका ग्राउंड पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनके भतीजे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी और राजनीतिक जवानी पे वो है इस वक्त उरोज पे हैं, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको तो लगा कि भाई हमारी सारी मेहनत ही बेकार चली जा रही है सुप्रिया सुले के कारण, ये बुढ़ापे में शरद पवार हमारे चाचा क्या कर रहे हैं। यूपी में जो चीज हुआ था चाचा और भतीजे में, शिवपाल यादव ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी पार्टी को खड़ी करने के लिए, लेकिन वहां भतीजा जीत गया। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की खिलजी की लड़ाई में भी अलाउद्दीन यानी भतीजा जीता था। तो मुझे ये लगता है 99.9% कि यहाँ पे अजीत पवार लीड कर जाएंगे। सारी सिचुएशंस, बैकिंग, सपोर्ट, इन सब को देखते हुए, ऊर्जा, एज, इन सब को जिस तरह से इन्होंने खुलासे किए हैं, उससे तो ये लगता है कि शरद पवार के पास एक अंतिम जो है कि भाई वो ग्रेसफुल ले लें और मोदी जी को उसी तरीके से आशीर्वाद दे दे जैसे मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा चुन करके आए और प्रधानमंत्री बने। हो सकता है वो दिन भी आ जाए कि शरद पवार आशीर्वाद दे रहे हो मोदी जी को कि आप दोबारा, मेरी शुभकामना है कि आप दोबारा जीत करके आए और प्रधानमंत्री बने। ये मेरा प्रारंभिक टेक है, आगे और बात करेंगे।